Assalamu alaikum dear spectators I am Usman Ali, assistant professor of chemistry and today we are going to discuss FSC part 2nd chapter number 1 we are going towards the conclusion of this chapter uh, 2 to 3 articles are left in this chapter but if you, have, if you have not subscribed my channel please subscribe my channel press bell icon so that you can get whole of my videos live on youtube dear spectators coming towards our article we are Studying about periodic trend in physical properties. Please don't don't forget to subscribe my channel. Coming towards our article periodic trend in physical property and last physical property is hydration energy. Hydra stand for water. What is the definition? If one mole ions are mostly in gaseous state, mostly in gaseous state.

ताकि जितनी भी हीट एनर्जी निकलनी है या जजब होनी है एक ही दफा हो जाए तो वेन वन मोल ऑफ गैश साइन इज डिजॉल्व इन वाटर टू तो गिव इनफीनाइट डाल्यूट सोल्यूशन इन्फिनाइट डाल्यूट सोल्यूशन का मतलब है वाटर बहुत ज्यादा डाल देंगे तो जो हीट एनर्जी वॉल्ड और अब्जॉर्ब होती है उस हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। और इसकी एग्जाम्पल ये है कि वन मोल आपने एच पॉजिटिव आइन वाटर में डिजोल्व किया एच थ्री ओ बनाया तो यहाँ से हीट एनर्जी इवॉल्व होगी माइनस का मतलब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 1075 सेवेंटी फाइव पर मोल तो दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है वह है चार्ज टू साइज रेशियो मीन हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज ऑफ आइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और याद रखना चार्ज ऑफ आइन मोस्टली केटाइन का ज्यादा लिया जाता है एनाइन का कम लिया जाता है चार्ज के डायरेक्टली और साइज के इनवर्स होगी मीन जितना साइज बड़ा होगा उतनी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी इनवर्स का मतलब ये होता है अब हम चलते हैं किसके अंदर इन प्रयाडिक टेबल इसका ट्रेंड देखते हैं तो प्रयाडिक टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं वेलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं मीन चार्ज सेम होगा एलिमेंट्स में ग्रुप के अंदर चार्ज सेम रहता है लेकिन साइज बढ़ता है तो अगर चार्ज सेम होगा चार्ज क्या होगा चार्ज विल रिमेन सेम क्योंकि साइज जो है ये इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो डिक्रीज होगी तो अगर ये डिक्रीज होगी तो हाइड्रेशन इनर्जी भी डिक्रीज़ होगी तो मेन ग्रुप में हाइड्रेशन इनर्जी डिक्रीज़ होती है क्योंकि चार्ज टू साइज़ रेशो डिक्रीज़ होती है और पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट हमें पता है साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होता है साइज़ डिक्रीज़ होता है और चार्ज क्या होता है इनक्रीज़ होता है ओवरऑल तो हाइड्रेशन एनर्जी इनक्रीज होगी क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो इनक्रीज होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी इनक्रीज होगी अब हम आ जाते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको तीन एलिमेंट्स दिए हुए हैं सोडियम प्लस वन मैग्नेशियम प्लस टू एलोमिनियम प्लस थ्री इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बताना है किसकी ज़्यादा होगी तो हम आरेडी पढ़ चुके हैं जिस पर चार्ज ज़्यादा होता है और साइज छोटा होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो Al एल प्लस थ्री की चार्ज टू साइज रेशो चार्ज टू साइज रेशो का एक और नाम भी होता है इसको हम चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं क्योंकि ये एल प्लस थ्री की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है इस वजह से उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्यों चार्ज टू साइज रेशो ज़्यादा है चार्ज उस पर ज़्यादा है और साइज छोटा होगा क्योंकि ए एल प्लस थ्री का साइज छोटा होगा जितने इलेक्ट्रॉन निकालते जाए न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ती है साइज छोटा हो जाता है तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो इनक्रीज हो जाती है तो इसकी ज्यादा होगी एम जी प्लस से और इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है एन ए प्लस से चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज टू साइज रेशो यही वजह है कि इनमें जो ट्रेंड बनता है ए एल प्लस की चार्ज डेंसिटी ज्यादा थी एम जी प्लस से उसकी ज्यादा है एन से तो जितनी चार्ज डेंसिटी या चार्ज टू साइज रेशो ज्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ये आठ थी जो हमने ट्रेंड उनका पढ़ लिया नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हम स्टडी करेंगे लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके हाफिज